से पहले बात जम्मू कश्मीर की ही करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ताजा जानकारी मिल रही है। क्योंकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल साहब की, तो बड़ा कदम उठाया गया है। म्युनिसिपल बॉडीज के अंदर गैर कानूनी नौकरियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं, इस वक्त की ताजा जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि उपराज्यपाल को कई लोगों ने शिकायत की थी और शिकायत के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त, क्योंकि म्युनिसिपल बॉडीज के अंदर गैर कानूनी नौकरियों के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने दरअसल ये आदेश जारी किए हैं, क्योंकि शिकायत लगातार आ रही थी और जब शिकायतों पर विचार किया गया तो बड़ा आदेश भी दे दिया गया। यानी म्युनिसिपल बॉडीज के अंदर जो गैर कानूनी नौकरियां दी जा रही थी उसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ये बड़ा कदम शिकायत के बाद उठाया गया है, जो इस वक्त की ताजा जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, खासकर क्योंकि उपराज्यपाल साहब पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं और आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। क्योंकि म्युनिसिपल बॉडीज के अंदर गैर कानूनी नौकरियों के जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। दरअसल खबर यह थी कि म्युनिसिपल बॉडीज के अंदर गैर कानूनी तरीके से नौकरियां दी जा रही थी और उसी को लेकर ये जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे सीनियर साथी इश्फाक गौहर इस वक्त जुड़ रहे हैं। इश्फाक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इश्फाक, फटाफट से बताइएगा, क्योंकि खबर यह मिल रही है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, अब आगे क्या होने वाला है? क्योंकि उपराज्यपाल साहब की पूरी नजर थी और जांच के आदेश दे दिए गए। देखिए हर्ष, पहले तो ये हमें याद रखना होगा कि यह पहला मौका नहीं होगा जब इस तरीके के जांच के आदेश दिए गए हों, क्योंकि मुझे याद है असेंबली लास्ट लेग पर थी, यानी बिल्कुल लास्ट सेशन चल रहा था, तो ये मामला काफ़ी ज़ोरों शोरों से उठा था और उससे पहले भी एक बार यह मामला उठा था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर नौकरियां जो है वो चोर दरवाजे के से दी गई और बड़े अफसरों के नाम आए थे, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हमने शहर के अंदर देखा था। अल्टीमेटली एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी को यह काम सौंपा गया था कि उन्होंने देखना था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर जो म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कमेटियाँ हैं और कॉरपोरेशन है, ये किस तरीके से काम कर रही है और इनके काम करने के अंदर क्या किसी ने बाकी तौर पर अपने असर का इस्तेमाल किया या मिनिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के टेन्योर में जब दोनों सरकार यहाँ चला रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो एक अंदाजे के मुताबिक 1800 से 2000 के करीब आइडेंटिफाई इलीगल अपॉइंटमेंट्स या इलीगल अपॉइंटमेंट्स को रेगुलर करके उन्हें अगले सीट तक पहुंचाने की बात सामने रखी गई थी और ये तकरीबन 1800 से 2000 के करीब नाम सामने आए थे। एक कमेटी की इंटरिम रिपोर्ट ये थी और ये मामला साल 2003 से लेकर साल 2010 के दरमियान जब एक इंक्वायरी इंटरिम इंक्वायरी हुई थी उसमें सामने आया था। 20 अफसरों के नाम सामने आए थे जिस पर यह कहा गया था कि इन अफसरों के खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए और साथ साथ ये भी कहा गया था कि जहां अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो वहीं पर स्पेशल टीम को बनाया जाए तो इन डेप्थ और कहां कहां पर क्या कुछ किया गया है और ये कहा गया था जो उस वक्त क्राइम डिपार्टमेंट है एक SIT बनाए और ये काम करे, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब बड़े नाम सामने आए, पॉलिटिकल बातें चली तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये सुर्खी जो उस वक्त बनी थी ये दम तोड़ती हुई नजर आई और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का टेन्योर आए, सत्यपाल मलिक साहब आए और दीगर लोग आए, मुर्मू साहब आए और आज मनोज सिन्हा साहब हैं, तो इन तक ये लगातार शिकायतें चली गई कि देखिए जो डिजर्विंग और जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उन्हें नौकरियां मिलती नहीं है और जो बासर है जिनका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या पैसे देकर वो नौकरियां हासिल करते हैं। और बड़ी बात एक बार फिर जो थी वो म्युनिसिपल कमेटीज के अंदर आई थी, काउंसिल्स के अंदर आ रही थी, यही वजह कि अर्बन लोकल बॉडीज को ये काम सौंपा गया है। अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर और उनके साथ तीन और बड़े अफसरों को लगाया गया है जो दो हफ्तों के अंदर अंदर काम को मुकम्मल करके एक इंटरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकते हैं। इस तरीके की बड़ी जानकारी हमें आज श्रीनगर से मिल रही है। लेकिन इस बात क्या आपको लगता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी जांच तो बिठा दी जाती है लेकिन वो कभी पूरी नहीं हो पाती और आप 2003 से अब तक का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है खासकर जब उपराज्यपाल साहब की नजर में आया है तो जो दो हफ्ते की बात आप कह रहे हैं हम सुनेंगे कि हाँ वाकई दो हफ्ते के अंदर जो जांच है, जो रिपोर्ट है, उपराज्यपाल साहब को सौंप दी गई और वाकई शायद हर्ष हतमी रिपोर्ट नहीं होगी, फाइनल रिपोर्ट नहीं होगी लेकिन इंटरिम एक फर्स्ट इनोसेंस की रिपोर्ट जो कि 20 साल के दौरान क्या कुछ हुआ है, क्योंकि काउंसिल
काउंसिल्स के अंदर बड़ी हेर फेर हुई है और म्युनिसिपल कमेटियां जो है वहां पर बड़े लोगों की नौकरियां लगी हैं, वो लगी कैसे और कहीं पर अगर उन्हें ये लगा कि प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, अब 2000 हो या 4000 लोग उन्हें आप डिसंगेज तो कर ही ऐसे ना हो, उन लूपहोल्स को टाइट किया जाएगा और जो जिन अफसरों ने किया है उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है नहीं हो सकती है इस पर भी एक जांच एक चीज जो है वो वे आउट देखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जहां तक मनोज सिन्हा साहब की बात करें तो जो हमें इंटरिम रिपोर्ट्स आ रही है जो अंदर की बात है वो ये है कि मनोज सिन्हा ने न सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्युनिसिपल कमेटियों पर नजर रखने की बात कही है बल्कि जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज के साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इस तरीके की शिकायतें लगातार मनोज सिन्हा को चिट्ठी के जरिए से मन की बात के जरिए से रेडियो प्रोग्रामिंग के जरिए से सामने आई है उन सभी चीजों पर जो उनके स्पेशल सेक्रेटरी हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है कि वो इसको देखें और वाकई तौर पर ग्राउंड पर देखें क्या अगर ये शिकायतें सही है तो स्ट्रिक्ट एक्शन दिया जाए ताकि एक लैंडमार्क बने जम्मू कश्मीर के अंदर कि आगे इस तरीके की कार्रवाइयां ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया इश्फाक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल हमारे सीनियर साथी बता रहे थे कि आखिर क्या होने वाला है और जांच के आदेश फिलहाल दे दिए।